भीमताल, भीमताल देखा होगा आपने, हमने वहाँ भीमताल से निकाली थी एक बार, एक गाड़ी गिर गई थी वहाँ पे, उसकी डिजायर चली गई थी झील के अंदर। तो हम लोगों ने क्या करा था, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें हम लोग भरते हैं नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस गैस सिलेंडर। चले जाएगा, ये होता है प्रेशर गेज, प्रेशर गेज होता है, इसमें देखते हैं हम कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है, हम नीचे खा जाते हैं, काम करते हैं, देखना पड़ता है कि कितनी गैस बची है, उसके हिसाब से हम लोग ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डिमांड। इसमें दिख रहा है ये टीप जैसा, इसे मुंह से ग्रिप करते हैं इस तरीके से, और फिर पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर पर अटैच होता है यहाँ। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी किट पहन के जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग घर में ठंडे पानी से नहाते हो, तब जब पहला जग पानी डालते हो ठंडा लगता है, सबको लगता है ना, उसके बाद फिर नहीं लगता है, कोई बता सकता है कारण, जो जानता है हाथ खड़ा करो। पहला जग जब पानी का पड़ता है शरीर पे तो ठंडा लगता है, जल्दी बताओ भाई ऐसा क्यों होता है? सर हमारा शरीर पहले गर्म रहता है इसीलिए हमें ठंडा लगता है, जब हमारा शरीर पानी गिरता है तो ठंडा हो जाता है, फिर ठंड नहीं लगता। ठीक बताया भाई ने, फिर जब हम दूसरा तीसरा मग डालते हैं पानी तो फिर हमें नहीं लगता है, वो क्या होता है कि हमारे जो शरीर का तापमान है वो ज़्यादा है और पानी का तापमान क्या है, कम है, फिर क्या हो जाता है, वो पानी ठंडा पानी डाल के बराबर हो जाता है, तो इसलिए फिर हमें क्या होता है ठंडा कम लगता है। चेहरे पर क्या पहनाते हैं, चेहरा ढक देते हैं हमें, इसमें चश्मा टाइप का दिखता रहे जिससे ना पानी नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं जाता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका। तो हम लोगों को भी क्या, हम लोग भी जब ड्यूटी लगती है कहीं पे, कहीं प्रोग्राम में, जब यहाँ गुलर बहुत जो प्रोग्राम था, नेशनल गेम चल रहे थे, और कई बार हम कावड़ कुंभ कहीं ड्यूटी करते हैं या कहीं फ्लड आ गया तो हम लोग इसका यूज करते हैं, कोई अगर डूब रहा तो उसको बचाने के लिए हम इसे इस तरीके से पहन लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम स्विमिंग करते हुए जाते हैं, ठीक है, और कोई अगर क्या होगा डूब रहा होगा, अगर हम उसको डायरेक्ट पकड़ेंगे तो हमें पकड़ के डुबा देगा, डुबा देगा ना, तो हम क्या करते हैं जैसे उसके पास पहुंचेंगे और इसे जो डूब रहा आदमी है उसको दे देंगे, ठीक है, वो इसे पकड़ लेगा और वो फिर डूबेगा नहीं, और फिर हम वापस उसे स्विमिंग करते हुए वापस ले आएंगे। यह है लाइव बॉय, इसके अंदर भी थर्माकोल होता है, ठीक है, अभी जब यहाँ अभी रुद्रपुर का फ्लड आया था ना तो क्या गलियों में हमने इसमें से कई लोगों को बांध के निकाला था, पांच इसमें कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह आदमी इसमें एक साथ लटक सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें एक बड़ी रोप बांध देंगे और खींच के गली से बाहर निकाल देंगे, तो पाँच छः लोगों को आराम से फ्लोट कर सकते हैं। पानी के अंदर जाते हैं इसमें नाक बंद रहती है, अगर हम पानी के अंदर जा रहे हैं तो प्रकृति विरुद्ध काम कर रहे हैं हम लोग, पानी में जली जीव रहते हैं, तो हमें क्या करना है मुंह से सांस लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है, इसमें क्या है डिमांड में ये साइड से छेद दिख रहे हैं, यहाँ से तो इसमें क्या है नेचुरल गैस आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, उसके बाद जो हम
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये छेद, इनसे वो बबल्स बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना ये खोला नहीं पीछे थोड़ा लीक हो रहा है, अगर ये मुंह से निकल जाएगा तो ड्राइवर की जिंदगी क्या है खतरे में आ जाएगी। टाइट करके ग्रिप रखना पड़ता है, ठीक है, और साथ साथ में काम भी करना होता है, सब मुंह का है इसमें, अगर मुंह से ये छूट गया इसलिए इसको डिमांड बोलते हैं। ये है प्रेशर गैस, ये बताएगा तुम्हें कि तुम्हारे ऑक्सीजन में कितनी गैस है, कितनी देर काम कर सकते हो या तुम्हें कितनी देर में ऊपर जाना है, इससे पता चलेगा। जब अगर इसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमें तुरंत ऊपर आना है। इसमें एक और होता है वो, उसमें डेप्थ गेज भी होती है, तो कितनी गहराई में पहुंच गए हो उसमें पता चलता है। और रक्त प्रणाली सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हैं। हम सांस ले रहे हैं ना, अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। और हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता, कौन करता है, ब्रेन। ब्रेन अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, और हमने जीवाइड प्रोसेस देना और हाथ रखा और पूरे जितनी ताकत है प्रेस करना है, जिंदे आदमी पे नहीं करना है। ठीक है, जिंदा आदमी पे आपको बताया जा रहा है डेमो के माध्यम से कि कितने कैसे प्रेस करना है, आराम से कोई देख लो। ठीक है, 30 टाइम प्रेस करना है, फिर उसके बाद सांस देनी है, देनी है उसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ फ्लड से संबंधित जितने भी रेस्क्यू आते हैं वो हम ही लोग करते हैं। अगर कहीं कोई बड़ी आपदा आ गई, कोई बस गिर गई या कोई बड़ा, आप लोग कैसे ऐसे उठाते हो ना, यस सर। कोई घायल व्यक्ति है, हो सकता है बेहोश है, आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, आप ऐसे ले जाते हो और वो क्या होगा, वो तो बेहोश गिर जाएगा थोड़ी देर में। ये लीजिए, खोल दिया। आपने अपना हाथ राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, जो सामने वाला रहेगा वो भी सेम पकड़ेगा, जैसे मैंने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ा वो भी वैसे ही पकड़ेंगे। ठीक, और आपस में एक दूसरे का हाथ फोन को ऑन करो, ब्राइटनेस बोल रहा, ब्राइटनेस कटर से टॉर्च भी ऑफ नहीं रहता। मेरे ये कौन सा तरीका है, ऑनलाइन तरीका है। ठीक है, हमारे विद्यालय में उपस्थित SDRF की पूरी टीम, उनके पदाधिकारी महोदय और मेंबर्स, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सम्मानित साथी और प्यारे बच्चों, वास्तव में हमारी जिंदगी किसी न किसी परेशानी का सामना करती है, हम उससे बाहर आना चाहते हैं या उससे निपटना चाहते हैं। कभी कभी हमारे पास जानकारी नहीं होती, कभी कभी परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन अगर हमारी जानकारी है तो वो जरूर परेशानियों को कम कर देती है, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व होके उन परेशानियों को अपने से दूर कर लेते हैं, अपने से या अपने पड़ोस से, अपने रिलेशन से, कहीं से। वास्तव में अब तुम लोग बच्चे ही हो, अभी उम्र का भी गैप है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी देखने को मिली जो हम लोगों ने इस उम्र में भी उतने टेक्निकल ढंग से नहीं देखी थी। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, तुम सभी बच्चों की ओर से SDRF टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सदस्यों को, अधिकारियों को हार्दिक रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सैकड़ों हजारों जिंदगी बचाएं। और ये शिक्षा जो आप लोगों को मिल रही है ये आपके जीवन में सार्थक सिद्ध हो, उपयोगी सिद्ध हो। आप जब घर में आज की बात करेंगे तो ज़रूर आपके घर के जो माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो ज़रूर इस बात से खुश होंगे कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है। तो मैं
विद्यालय परिवार की ओर से पूरी SDRF की टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं। इसके साथ ही मैं हमारा सरकार की यही कोशिश है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हर जगह हर समय SDRF नहीं पहुंच पाएगी, तो जो लोकल पब्लिक होती है उसको अवेयर किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो है मूविंग लिफ्टिंग का प्रयास वो अभ्यास करा के स्ट्रेचर इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रेचर बना के सब करके अभ्यास कराया जा रहा है। तो इस तरीके की सूचना विद्यालयों में दी जाती है? जी जी जी। इसमें मतलब क्या क्या जो आपने इक्विपमेंट वगैरह लाए हैं वो किस किस तरीके की आपदा से आपदा प्रबंधन या आपदा से सुरक्षा है उस पर जानकारी दे रही है? ये हर तरह की आपदा हमारे पास डीप डाइविंग की टीम है, ड्राई रेस्क्यू की टीम है, कहीं भी ऐसा रेस्क्यू आता है तो हम जैसे बाढ़ हुआ सर, रोड एक्सीडेंट हुआ, आग लगना हुआ, जहरीली गैस का रिसाव हुआ, इन सब पे हम सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। अब राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांत है और अभी हाल ही में यहाँ पर नशा उन्मूलन पर कई सेमिनार जो है पुलिस विभाग की ओर से भी लगाई गई थी, आज आपदा के तहत बच्चों को जानकारी दी जा रही है, तो विद्यालय स्तर पर इस तरीके की जो जानकारी है अवेयरनेस है, जन जागरूकता है, फैलाई जा रही है, तो आपकी क्या क्या और गतिविधियाँ जो आप करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो SDRF की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे विद्यालय का चयन किया, हमारे बच्चे कैसे अवेयर हों इसकी जानकारी उन्होंने दी। आपदाएँ दो तरह की हैं, एक दैवीय आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। इन दोनों आपदाओं के बारे में सीमित संसाधन के बाद कैसे हम जीवन रक्षा कर सकते हैं तो बच्चों को बताना भी जरूरी था। जो तुर्की में भूकंप की स्थिति आई, उन्होंने बताया कि भूकंप को कैसे हम जानवर की रक्षा कर सकते हैं, और जहाँ तक भूकंप के सेंसिटिव जोन की बात है तो हमारा ऊधम सिंह नगर जिला 4 नंबर में है और 5 नंबर जोन में है आपका पिथौरागढ़ वगैरह, तो कैसे हम भूकंप से बचें, कैसे हम बाढ़ की आपदा से बचें, कैसे हम विभिन्न प्रकार की मानवीय आपदाओं से बचें जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, ये जानकारी उन्होंने दी है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में इसका लाभ जो है वो प्राप्त होगा। सर, दिनेशपुर राजकीय इंटर कॉलेज में जो आपदा से जो प्राथमिक जो जानकारी है उस छात्रों को दी जा रही है, तो आपकी जो SDRF टीम है वो किस तरीके से बच्चों को प्राथमिक सूचना दे रही है?